नमस्कार, स्वागत है आपका MS7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोनिका पवन। तो आइए करते हैं खबर की शुरुआत। संसद का मॉनसून सेशन 17 जुलाई को शुरू हो रहा है। इसमें 18 विपक्षी पार्टियां GST नोटबंदी जैसे कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। जिन इश्यूज पर सरकार को घेरा जाएगा, इसको लेकर मंगलवार को इन दलों की मीटिंग भी हुई थी। सूत्रों की माने तो 5 अहम मुद्दों पर सरकार को संसद में घेरा जाएगा। इसके लिए 18 विपक्षी दलों ने बाकायदा रणनीति तैयार की है। अमरनाथ यात्रा पर हमले के बाद केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर और जितेंद्र सिंह बुधवार को कश्मीर पहुंचे। अहीर ने कहा कि अगर सिक्योरिटी में कोई खामी मिली तो उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले के बावजूद अमरनाथ यात्रा बिना किसी खौफ के जारी है, हम आतंकियों से डरने के वाले नहीं है। उधर जितेंद्र सिंह का कहना है कि हमले से पूरे देश को दुख पहुंचा है। PM और होम मिनिस्टर लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के मास्टरमाइंड अबू इस्माइल की तलाश में सिक्योरिटी फोर्सेस के स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस्माइल पाकिस्तान का रहने वाला है और 3 सालों से कश्मीर में एक्टिव है। आपको बता दें कि सोमवार रात अमरनाथ यात्रियों की एक बस पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 7 यात्री मारे गए थे। इनमें से 6 महिलाएं थी। मारे गए सभी लोग गुजरात के रहने वाले थे। इसके बावजूद भी अमरनाथ यात्रा जारी रखी गई है। ट्रांसफर से परेशान मध्य प्रदेश के अफसर ने नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। राजगढ़ जिले में तहसीलदार के पोस्ट संभाल रही अमिता सिंह तोमर ने गुरुवार को PM को लेटर लिख के कहा, ईमानदारी से काम करते हुए दर्जनों अवार्ड जीते हैं और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। इसके बाद भी 14 साल की नौकरी में मेरा 25वां ट्रांसफर है। क्यों बार बार ट्रांसफर किया जाता है? आपको बता दें कि 2011 में अमिता KBC के आखिरी राउंड तक पहुंची थी। तब अमिताभ के आखिरी सवाल के जवाब नहीं दे पाई और 1 करोड़ रुपये जीतने से चूक गई। ग्वालियर में भीड़ के लहर में MP कांग्रेस के दिग्गज मंच पर एक साथ खड़े नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधे सहित सभी नेताओं ने खेती और किसानों को बर्बाद करने के आरोप लगाते हुए CM शिवराज सिंह चौहान को कोसते हुए BJP की प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प घोषित किया। गुजरात में साल के आखिर में विधानसभा चुनावी संभावित है। जानकारों के मुताबिक 2001 में नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक के 15 साल में राज्य में पहली बार ऐसी स्थिति बनती दिख रही है, जिसमें यह लगने लगा है कि भाजपा अगला चुनाव हार भी सकती है। इस साल के आखिर में गुजरात में चुनाव होना है। राज्य में भाजपा किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती। इसी कारण पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का फिर से राज्य में सक्रिय किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात यात्रा पर थे। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह उनके साथ मंच पर नहीं दिखाई दिए। सिक्किम सेक्टर में चीन के साथ बॉर्डर विवाद के बीच अधीर डोभाल देशों के नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। डोभाल को इंडिया चीन बॉर्डर वार्ता के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव माना जा रहा है। माना जा रहा है कि 26 जुलाई को इस मीटिंग में शामिल होंगे। हालांकि जब फॉरेन मिनिस्ट्री से इस बारे में सवाल किया गया तो गोपाल बघेल ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। 2008 के मुंबई हमलों में शामिल एक लश्कर आतंकी को पाकिस्तान की कोर्ट ने सबूत न मिलने के आधार पर जमानत दे दी है। इस आतंकी का नाम सुफियान जफर है। बता दें कि मुंबई हमलों की साजिश में शामिल लश्कर कमांडर जकीर रहमान लखवी के 2 साल पहले ही जमानत मिल चुकी है। साजिश का मास्टरमाइंड हाफिज सईद फिलहाल कस्टडी में है। बता दें कि 9 साल पहले इस हमले में कुछ विदेशियों समेत 166 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव की मां को इस्लामाबाद वीजा दे सकता है। यहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के कैंसर पीड़ित महिला ने सुषमा स्वराज से मेडिकल वीजा देने की गुजारिश की थी। इस पर सुषमा स्वराज ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तानी कुलभूषण जाधव की माँ की पेंडिंग पड़ी एप्लीकेशन पर विचार नहीं कर सकता। चीन के साथ सिक्किम विवाद और कश्मीर के हालात की जानकारी देने के लिए सरकार ने शुक्रवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इसमें राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज अपोजिशन लीडर्स को दोनों मुद्दों पर प्रेजेंटेशन देंगे, बताएंगे कि केंद्र अब तक क्या कदम उठाएगी। सोमवार 17 जुलाई से संसद के मानसून सेशन की शुरुआत हो रही है। राजस्थान के मोस्ट वांटेड रह चुके गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की लाश 20 दिन बाद गुरुवार शाम को गांव में भारी पुलिस के फोर्स के मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। कर्फ्यू के बीच अंतिम संस्कार के दौरान किसी आम आदमी को गांव में एंट्री नहीं दी गई। पूरे गांव को और आने वाले हर रास्ते पर हथियारबंद पुलिस फोर्स तैनात रही। शाम को आनंदपाल की बड़ी बेटी ने दुबई से फोन कर सरकार को पिता का मर्डर करने और जबरन अंतिम संस्कार करने पर नतीजे भुगतने की धमकी दी है।
बीसीसीआई ने पूर्व प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर ने अवमावन केस में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। 7 जुलाई को पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ठाकुर से बिना शर्त माफी मांगने को कहा था। इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है। पिछले साल जब लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने का मामला चल रहा था, तब ठाकुर ने आईसीसीआई चेयरमैन शशांक मनोहर से एक लेटर लिखने को कहा था, जिसमें ये कहा जाए कि बीसीसीआई में सीएजी का अपॉइंटमेंट सरकारी दखल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवमानना करार दिया था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में दिल्ली के निर्भया जैसा मामला सामने आया। यहां एक रेप पीड़ित 24 दिन कोमा में रहने के बाद मंगलवार को होश में आई। होश में आने के बाद उसने जो अपनी आपबीती सुनाई है, उसके बाद धोखे उसके साथ हुई हैवानियत का पता चला। पीड़ित के बयान के आधार पर पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के मुताबिक उसके साथ एक नहीं बल्कि 6 युवकों ने मिलकर जाति की थी। छात्रा की गलती बस इतनी थी कि वो 29 अप्रैल की रात अपने एक दोस्त के कहने पर उसके साथ घूमने निकल गई। उसके दोस्त ने पहले उसके साथ रेप किया और इसके बाद लड़की को अपने 5 दोस्तों के हवाले कर दिया। आरोपियों ने पीड़िता के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे मरा समझकर उसके घर के पीछे फेंककर चले गए। लड़की के सिर पर कई जगहों पर मल्टीपल इंजुरीज हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में कुछ दिन पहले जंगल में मिली एक युवक की लाश पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने युवक की शिनाख्त करते हुए 2 लड़कों को अरेस्ट किया है। 12 साल की बच्ची के साथ घर में बंधक बनाकर गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने वाले पड़ोसी चाचा भतीजे हैं। चाचा की उम्र 45 और भतीजे की 16 साल है। बच्ची को 1.5 घंटे तक रस्सी से बांधकर रखा और दृष्टिक्रय करने के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी और ये कहा कि बाहर जाकर किसी को मत बताना। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के एक होटल में कोर्ट के बाबुओं ने पार्टी आयोजित कर बार बालाएं नचाई और खुद भी शराब के नशे में खूब झूमे। सिटी सेंटर में पार्टी के वीडियो वायरल हुए और पुलिस के पास भी पहुंचे। इस सबके बाद भी पुलिस प्रतिबंधित पर बार बालों का डांस करने वाले बाबू के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, बल्कि पुलिस और आबकारी विभाग सारी जवाबदारी दूसरे विभागों पर टाल दी। कानपुर के औरैया जिले में खेत की झाड़ी में 10 जुलाई को एक लड़की का शव बरामद हुआ है। शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि लड़की के रेप के बाद चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, उसे मारने के बाद उन्होंने चाकू पेट में ही छोड़ दिया। एसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, लेकिन युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई। मंगलवार को आईजी कानपुर जोन आलोक सिंह ने घटनास्थल पर निरीक्षण किया। यूपी के कानपुर में शुक्रवार को झाड़ियों में एक डेड बॉडी मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया, डेड बॉडी की शिनाख्त करवाई, जिसकी पहचान मनोज के रूप में हुई है, जो मसवापुर सराय का रहने वाला है। पुलिस ने डेड बॉडी के पास एक देसी कट्टा बरामद किया है। मृतक की माँ का कहना है कि रात 9 बजे मेरे बेटे के फोन पर किसी का फोन आया था, जिसके बाद वह घर से निकल गया, लेकिन रात होने के बाद वे नहीं आया। हम लोग उसे ढूंढने के लिए भी निकले थे। शुक्रवार सुबह पुलिस का फोन आया कि तुम्हारे बेटे की डेड बॉडी झाड़ियों में पड़ी है, जिसकी हत्या हो गई। यूपी असेंबली में पीटीएन नाम का एक्सप्लोसिव मिला है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिक्योरिटी को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। गुरुवार को सेशन के दौरान सिक्योरिटी मेंबर्स को संदिग्ध व्हाइट पाउडर मिला था, जिसके बाद डॉग स्क्वाड ने पूरी असेंबली की छानबीन की थी। इस पाउडर को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। इसके लिए एक्सप्लोसिव होने की पुष्टि हुई है। इस पाउडर का वजन 60 ग्राम था। फिलहाल ब्रिटेन में इतना ही। नमस्कार।